असल क्लास क्लासर रीडिंग ओवर चैप्टर नंबर फोर बेटा हमने अपनी चैप्टर नंबर फोर की रीडिंग के पेज नंबर फिफ्टी थ्री तक कम्प्लीट कर लिया था नाउ स्टार्ट विद पेज नंबर फिफ्टी फोर जी बेटा पेज नंबर फिफ्टी फोर पे टॉपिक है बेटा करंट का आप ये देखिए इन एन एटम देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एटम uh, में दो तरह के चार्जेस होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव को बेटा हम प्रोटॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टे डू नॉट स्टे अटैचड विद द एटम ऑल द टाइम इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो एटम्स से अटैच नहीं होते आपको पता है ना एटम uh, के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन इसलिए वो वहाँ से मूव भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर एटम यानी जो मेटल एटम्स हैं यूजुअली उस उनमें कॉपर एटम की बात हो रही है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ कॉपर वायर एक्चुअली फ्लो फ्रॉम एटम टू एटम यानी एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करके जा सकते हैं एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ स्विच ऑन जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है बेटा इसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप करंट कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में फ्लो करते हैं मूव करते हैं ठीक है जी उसके बाद देखिए बेटा करंट करंट को हम कैसे कर सकते हैं ये आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट गिवन है इसका नाम आपके सामने क्या लिखा बेटा एन एम मीटर इसको हम एम मीटर बोलते हैं इसको हम सर्किट में अगर अटैच कर देते हैं तो इससे हम इलेक्ट्रिक करंट की मकदार को अमाउंट को मैयर कर सकते हैं कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहे हैं देखिए जी इन अ सर्कट कंटेनिंग अ लाइट बल्ब ऐसा सर्कट जिसमें से हम जिसमें हम लाइट बल्ब लगाते हैं द साइज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जस्ट साइज इलेक्ट्रिक करंट की जो मकदार है वह uh, मालूम कर सकते हैं बाई लुकिंग एट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब बल्ब की ब्राइटनेस को देखते हुए लार्ज करंट मेक्स द बल्ब ग्लो ब्राइटली ज़्यादा करंट बेटा पास ऑन होगा तो बल्ब जो है वो ज़्यादा रोशन जलेगा तेजी से जलेगा स्मॉल करंट मेक्स द बल्ब ग्लो डिम ली और स्मॉल करंट से बल्ब uh, जो है वो डिम होगा वो उसकी जो लाइट है वो कम होगी और नॉट एट ऑल या बिल्कुल ही नहीं चलेगा ठीक है जी दिस मैथड इज़ नॉट एकट इनफ लेकिन ये मैथड जो है वो इतना ज़्यादा एक्योरेट नहीं है फॉर साइंटिफिक वर्क सो एंड एम मीटर इज़ यूज टू मईर द करंट इसलिए एम मीटर को हम करंट की अमाउंट को मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है जी द साइज़ ऑफ करंट इज मयरड इन यूनिट्स कॉल्ड द एम्पेयर बेटा जिस तरह से हम Uh, किसी भी चीज़ को वे करने के लिए वजन करने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं या किसी भी लेंथ को मैयर करने के लिए किलोमीटर या मीटर यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने करंट को मैयर करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे उसको हम एम्पेयर्स बोलते हैं इसकी शॉर्ट दिस इज़ यूजुअली शॉर्ट एंड टू एम पी एस इसकी शॉर्ट फॉर्म ए एम पी एस है जिसको हम कैपिटल ए से जाहिर करते हैं देखिए जी वन एम्पेयर करंट मीन्स अ करंट ऑफ वन एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्कट एंड सो ऑन इस मतलब वन ए का मतलब है कि वन एम का जो करंट है वो सर्किट में से पास ऑन हो रहा है जी नेक्स्ट पेज देखिए बेटा पेज नंबर फिफ्टी फाइव एन एमटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट बिकॉज इट मैर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट हम एमीटर को इसलिए कनेक्ट करते हैं सर्किट में क्योंकि हम uh, जो करंट की अमाउंट है वो हम सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की अमाउंट मैयर कर सकें देर आर टू कनेक्टर्स ऑन एन एमीटर एमीटर पे दो कनेक्टर लगे होते हैं बेटे आपके सामने ये देखिए ये ब्लैक और रेड कलर के जी ठीक है जी इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है वन इज लेबल्ड पॉजिटिव एंड वन इज लेबल नेगेटिव अनलाइक मैनी अदर कंपोनेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट दैन एन एमीटर द राइट वे राउंड यानी दूसरे कंपोनेंट्स की तरह हमें एमीटर को भी दुरुस्त तरीके से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी उसके बाद देखिए आपके सामने सर्किट की डायग्राम बनाई हुई है जिसमें आपके सामने करेक्ट और रॉन्ग दोनों मेथड्स बताए गए हैं पहले ऊपर वाला मेथड सही है जिससे एमीटर को लगाने के लिए और नीचे वाला मेथड जो है बेटा वो रॉन्ग है ठीक है जी उसके बाद देखिए एमीटर एम मीटर्स इन सर्कट इन द सर्कट शोन इन द डायग्राम सर्कट जो आपके सामने दिखाए गए हैं द करंट फ्लोज इज फ्लो इज कॉन्स्टेंट करंट जो है वो कॉन्स्टेंट फ्लो कर रहा है द एमीटर कैन कैन बी प्लेस इन एनी ऑफ द पोजिशन एक्स वाई और जे यानी हम एक्स वाई या जी तीनों जगह पे एमीटर लगा सकते हैं बैटरी के पास भी लगा सकते हैं बल्ब के पास बल्ब और बैटरी के सेंटर में भी लगा सकते हैं या स्विच और बैटरी के सेंटर में भी लगा सकते हैं ठीक हो गया जी अभी देखें द रीडिंग्स विल बी सेम हर हर जगह पे रीडिंग जो है वो सेम आएगी ठीक है जी उसके बाद देखिए बेटा आप वोल्टेज का टॉपिक है नीचे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नीट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी के किसी सोर्स की ज़रूरत होती है जैसे कि हम बैटरी यूज़ करते हैं या कि मेन सप्लाई जो हमारे घरों में बिजली इलेक्ट्रिसिटी uh, uh, की मेन सप्लाई यूज़ होती है उसके भी हम यूज़ कर सकते हैं दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स द वोल्टेज ये इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है बेटा वो एक्चुअली एक पुश हमें देता है या एक वोल्टेज uh, हमें प्रोवाइड करता है और पोस्ट नीडेड टू मेक द करंट फ्लो इन द सर्किट जिसकी हमें ज़रूरत होती है करंट को सर्किट में फ्लो करने के लिए ठीक है जी द हायर द वोल्टेज जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा द मोर एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी सो मोर एनर्जी इट कैन प्रोवाइड एज इट फ्लोज अराउंड द सर्किट इसलिए सर्किट में जितना ज़्यादा ये फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी से ये Uh, इसको वोल्टेज uh, प्रोवाइड करेगा वोल्टेज इज मयर यूनिट्स कॉल्ड वोल्ट वोल्टेज की यूनिट्स बेटा वोल्ट कहलाती हैं जी बेटा आपके सामने पेज नंबर फिफ्टी सिक्स है मैयरिंग वोल्टेज वोल्टेज को हम कैसे मैयर कर सकते हैं वोल्टेज इज़ मैयिंग अ वोट मीटर बेटा वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर की मदद से मैयर कर सकते हैं अनलाइक एम मीटर एम मीटर की तरह नहीं इसको दूसरे तरीके से हम अटैच करते हैं वोल्टेज आर कनेक्टेड अक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट ठीक है जी आ, इसको हम जो है सर्किट में किसी कंपोनेंट के साथ अटैच करते हैं नॉट इन द सर्किट इट और सर्किट में खुद नहीं अटैच करते किसी भी चीज के साथ अटैच करते हैं देखिए बेटा ये देखें दो बैटरीज के साथ हमने ये वोल्ट मीटर अटैच किया डायरेक्टली हम वोल्ट मीटर को अटैच नहीं कर रहे लाइक like, एम मीटर एम मीटर की तरह वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड द राइट वे राउंड वोल्ट मीटर को एम मीटर की तरह इसको भी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लगाना जरूरी है वोल्ट मीटर को अदरवाइज जो है वो आ, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा इफ़ नॉट द पॉइंटर मूव्स द रोंग वे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पॉइंटर जो है वो दूसरी गलत डायरेक्शन में मूव करेगा द मीटर वुड बी डैमेज और उससे इसका मीटर जो है वो बेटा डैमेज हो सकता है कीप इन माइंड आपको बार बार बेटा इस बात का की आदहानी कराई जा सक जा रही है कि आपने किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं करनी घर पे परफॉर्म ठीक है ये बात याद रखिए क्योंकि आपके लिए ये हार्मफुल हो सकती है ठीक है आपने किसी किस्म की भी एक्टिविटी करने की घर में कोशिश नहीं करनी प्लीज़ बी केयरफुल वोल्टेज अराउंड अ सर्किट अ बैटरी और अदर पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द टोटल वोल्टेज फॉर अ सर्किट ठीक है जी बैटरी या दूसरे पावर सप्लाई जो है वो आ, टोटल वोल्टेज जो है वो सर्किट को मुकम्मल तौर पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं द वोल्टेज अराउंड अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स इन द सर्किट मस्ट ऑलवेज एड अप टू द सप्लाई वोल्टेज ठीक है around, जी ये सब जो है कंपोनेंट्स उनको आ, जो हम आ, उनके लिए वोल्टेज जितना हमें नेसेसरी होता है वो हमें सप्लाई वोल्टेज आ, की मदद से हासिल होता है जी द वोल्टेज इज़ शेयर्ड आउट बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट वोल्टेज जो है वो सर्किट uh, के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं बेटा उसमें डिवाइड होता है उसमें शेयर होता है द सर्किट डायग्राम शोज हाउ द थ्री वोल्ट थ्री वी थ्री वी से रात के बेटा थ्री वी का मतलब है थ्री वोल्ट प्रोवाइड्स बाय द सॉरी प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी इज शेयर इक्वली बिटवीन द टू बल्ब इन द सर्किट सर्किट डायग्राम जो आपके सामने मैं दिखाने लगी हूँ ये बता रही है कि किस तरह से हम बैटरी से इक्वली जो टू बल्बस हैं उसमें ये थ्री वोल्ट्स का जो वोल्टेज है उसको सर्किट में कैसे शेयर कर रहे हैं ठीक है जी ये देखिए आपके सामने ये थ्री वोल्ट का जो इसमें वोल्टेज है ये देखिए ये टू बल्ब्स हैं इनमें कैसे इक्वली ये शेयर हो रहा है हर बल्ब के पास बेटा 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट आ रहा है ठीक है जी थ्री वोल्ट्स टोटल थे इस तरह ये शेयरिंग हो रही है नेक्स्ट पेज देखिए सीरीज सर्किट सीरीज सर्किट किस को कहते हैं बेटा जिसमें जो तमाम कंपोनेंट्स हैं सर्किट के जो जो भी चीज़ें हमने कनेक्ट करनी है वो एक सीरीज में लगे इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको घरों में यूज़ होने वाली लीड की एग्जांपल देनी चाहूँगी जैसे आपके घर में एक्सटेंशन uh, भी कहा जाता है उसको कॉमन लैंग्वेज में या लीड भी हम कहते हैं जिससे हम डिफरेंट uh, जिसमें स्विचेज कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है जी सीरीज uh, में का मतलब है लाइन में लगना है तमाम जो सर्किट uh, के कंपोनेंट्स हैं लाइन में हो most uh, most roads have a single lane so traffic moving in the same direction तमाम uh, बहुत सी जो सड़कें हैं जो roads हैं उसमें uh, single lane होती है इसलिए जो traffic है वो एक ही same direction में move करती है, has only one pathway to follow और उसमें एक ही pathway होता है जिसे follow करना पड़ता है आपको पता है वन वे ट्रैफिक में एक ही साइड पर सारी ट्रैफिक जा रही होती है उसी की मिसाल दी है इन्होंने द सिपलस्ट सर्कल आर लाइक दिस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ओनली वन पाथवे टू फ्लो ये सिम्पलेस सर्कट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए सिर्फ वन सर्कट मिलता है ऑल द कम्पोनेंट्स आर ज्वाइन टूगेदर इन अ लाइन तमाम कम्पोनेंट्स को एक लाइन में जोड़ा जाता है दीज आर कॉल्ड सीरीज सर्कट इसलिए हम इसको सीरीज सर्कट कहते हैं देखें जी दो बल्ब हैं ये एक लाइन में जॉइन हुए हुए हैं डायग्राम शोज अ स्विच टू बल्ब कनेक्टेड इन अ सीरीज ये सब एक सीरीज में जोड़े गए ठीक है जी वेन द स्विच इज़ क्लोज बोथ बल्बस लाइट जब स्विच हम ऑन क्लोज uh, करते हैं तो दोनों बल्ब जो है वो लाइट हो जाते हैं द स्विच कंट्रोल्स बोथ बल्ब ठीक है जी इसके सामने देखें ब्रोकन फिलामेंट अगर एक बल्ब जो है उसका फिलामेंट ब्रोकन ब्रेक हो जाता है तो दूसरा भी जो है वो सर्कट uh, जो है वो ब्रेक हो जाएगा और दूसरा बल्ब भी वो ख़राब हो जाएगा और दूसरा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा वो भी नहीं चलेगा ठीक है जी बेटा नेक्स्ट uh, पेज देखिए जी बेटा पेज नंबर फिफ्टी एट देखिए एडिंग मोर कंपोनेंट्स एडिंग मोर सेल्स इन अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट जैसे हम अगर uh, ज़्यादा सेल इसमें ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा ज़्यादा करंट सीरीज सर्किट में फ्लो करेगा एनी बल्ब इन द सर्कट विल बी ब्राइटर और हर बल्ब जो है वो सर्कट में ज्यादा ब्राइटनेस से जलेगा एडिंग मोर बल्बस और अदर कंपोनेंट्स विल मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द करंट टू फ्लो यानी अगर हम इसमें ज़्यादा बल्ब या ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो करंट ऑबियसली डिवाइड होगा और करंट जो है वो diff, इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा uh, कि जी uh, जो है वो फ्लो करे एनी बल्ब इन द सर्किट विल बी डिमर और जितने भी बल्बस होंगे बेटा सर्किट में वो सब डिम जलेंगे क्योंकि कंपोनेंट ज़्यादा होंगे और करंट की अमाउंट जो है वो कम होगी देखिए आपके सामने वन uh, बल्ब है ठीक है जी और uh, ये आपके सामने ये एम जस्ट अटैच है ठीक है तो ये ज़्यादा ब्राइटनेस इसमें है और ज़्यादा देखिए हमने इसमें सेल बैटरी के बढ़ा दी या बैटरी का जस्ट वन सेल था यहाँ डबल हो गए तो इसका मतलब ये ज़्यादा ब्राइटनेस से जल रहा है लेकिन जहाँ पे देखें सेल वन ही है और बल्बस की अमाउंट डबल कर दी गई है तो ये इनकी ब्राइटनेस कम हो गई देखिए आपको ये साइड की लाइन से पता चल रहा है कि इसकी ब्राइटनेस दोनों की काफ़ी कम है थैंक यू सो मच क्लास बाकी की रीडिंग हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो uh, में करेंगे थैंक यू सो मच अपनी तमाम रीडिंग को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें